प्रोफेसर है और ये इसका बड़ा भाई और व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। टिम टायर देखे दूर से देख फनी है ना ये क्यों ऐसे लगाए रुक बाहर जाके बताता हूँ मैंने ये भी हटा दिया मुंह बहुत गंदा हो गया था वो बिल्कुल फट गया ऊपर ब्लैक करा के भी शिट्टी था वो मैंने कहा भाई इसको उतारो फिर नया करेंगे और बाकी जो स्टीयरिंग है स्टेयरिंग का अभी सोचेंगे क्या सीन करना है या मंगवाएंगे या फिक्स कराएंगे लेट सी स्टेयरिंग का इतना कुछ नहीं छोटे मोटे इश्यूज हैं बस क्या बात है सर वॉइस तला बॉय की फर्स्ट टेस्ट ड्राइव होने लगी अच्छा मेन चीजें जो याद रखने वाली है मेन चीजें गाड़ी पे बहुत बुरे रिम टायर हैं तो हल्के पैर से भगा दूसरा जो भी बहुत वो इतना परेशान था ना जब हमने हैंड ब्रेक उतरी भी है ना बस गुड जान दे ब्रो जहाज में ज्यादा आगे सर सीट नीचे करके मजा आ रहा है हाँ मैं नीचे कर थोड़ी ऊपर लगी ऐसा शायद हुई हो कि तूने वो अलाइनमेंट ठीक करवा अलाइनमेंट वगैरह सब ठीक है इसके अंदर वो आता है वो क्या कहते हैं हल्का पैर देना है लेकिन उसको कंटिन्यूएशन में रखना है छोड़ना नहीं है डिफरेंस तो अच्छा खासा है बॉयज ये अच्छा खासा चौड़ा है वो अच्छा खासा पतला है और 18 और 16 इस स्मोक ग्रे करके रिम्स आ गए दीज आर द 16 इंच वंस 195/60 और ये है 225/45/18 अगर अभी मैं आप लोगों को बताने पे आऊं ना कि आज मैं कितना ख्वार हुआ यार मैं कहता हूँ बॉयज मैं आज इतना ख्वार हुआ ना वो गड्डी नुक्के हो गए खैर अब मैं आप लोगों को बताता हूँ आज हुआ क्या तो मैं आप लोगों को पता है रिम्स लगवाने गया था आज ठीक है तो मैंने रिम्स लगवाए गाड़ी में आके बैठा हूँ और गाड़ी की जो ये वाली होती है ना ही हॉट एंड कोल्ड वाली तो ये वाली जो हॉट एंड कोल्ड वाली है ये भाई साहब हॉट पे ब्लिंक कर रही थी हालांकि मैं अभी सिर्फ गाड़ी में आके बैठा हूँ और ये ब्लिंक करनी शुरू हो गई थी तो खैर अभी बहुत थकी हूँ मैं अभी घर जाके बताता हूँ क्या है ये देख के टेंशन नहीं ले रही मैंने भाई साहब ओरिजिनल जापनीज गाड़ी से निकाल के मैंने ख़रीद लिया अब इसको यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि ये वाला जो है ये बहुत येलो वगैरह हो गया था तो अब ये माशाल्लाह से यहाँ पे शाइने मारेगा राइट हियर स्टेप वन पतीरियां उतारना किसकी उतारी थी ओए 16 मिनट्स लेटर जब किसी चीज़ का वक्त नहीं होता ना कुछ चीज़ें होती हैं वो इंसान से अक्सर छीन ली जाती हैं क्योंकि वो उसका वक्त नहीं होता क्या बात है वो ये तो मैंने कर लिया ओए ओके सी यू लेटर एलिगेटर बॉयज़ में भी एयरपोर्ट पर आया हूँ तो मैंने सोचा एक 360 लुक दे दूँ इन रिम्स के साथ जो पिछले थे वो थोड़ी सिल्वर की तरफ थे इनके अंदर थोड़ी स्मोक्ड जो लुक होती है स्मोक लुक बैक से भी दिखाता हूँ बाकी माशाल्लाह द लुक इज़ इन फ्रंट ऑफ यू गाइस खैर तो जो बात मैं अभी शाम को कर रहा था उसको मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ हुआ ये था
कि मैं गया था रिम टायर चेंज करवाने। गाड़ी जब आप न्यू खरीदते हैं तो आपने एक तो फ्लूइड चेंज करवाने होते हैं और अपनी तरफ से एक तरह देखना होता है कि हर चीज़ अपनी कंडीशन में है, हर चीज़ अपनी सही में है। अब मैंने भाई बैटरी का पानी चेक करवा लिया, ऑयल चेक करवा लिया, सब करा लिया। मेन चीज़ गर्मियों की सबसे एसेंशियल चीज़ होती है रेडिएटर, रेडिएटर का पानी मैंने चेक नहीं कराया। तो क्या हुआ, गाड़ी में ऑलमोस्ट 6 लीटर चलता है इस गाड़ी में, V6 इंजन है, ठंडा करने के लिए बड़ा रेडिएटर चाहिए होता है। तो ये हुआ कि गाड़ी में मैं सुल्तान के खो गया था और ऑब्वियसली AC वगैरह सब चीज़ चल रही होती हैं, आज था भी कोई 40 डिग्रीज ऐसा कुछ, तो भाई रेडिएटर का पानी ख़त्म हो गया गाड़ी में, सही है। और इसमें ये हुआ कि मतलब कोई इसने कोई, जब मैंने सुबह स्टार्ट की तो इसकी इग्निशन में थोड़ा डिले आया, मैंने कहा शायद इग्निशन का कोई प्रॉब्लम होगा। आगे बैठा मैंने स्टार्ट की, बड़ी स्लो इग्निशन हुई, मैंने वैसे ही देखा क्या सीन है, तो जो आपका जो हीट इंडिकेटर होता है वो हॉट पे ब्लिंक आ रहा था, मैंने कहा ये क्या सीन है, और इग्निशन भी बड़ी स्लो हुई थी। तो वहाँ पे पास ही ना बस गाड़ी बहुत गर्म हुई, पंखा भी यूं फड़ चल रहा था, साथ ही मैकेनिक था, मैं उसके पास ले गया गाड़ी, पता ही चला ऑब्वियसली पानी बिल्कुल ख़त्म था। तो ये हुआ कि अंदर प्रेशर बना और नीचे से जो पाइप है ना वहाँ से वो बिल्कुल खुल गया, पाइप खुल गया, तो जो भी पानी डाल रहे थे अंदर वो नीचे से लीक कर रहा था। तो इतना 3 घंटे लंबा काम, रेडिएटर खुला, धुलने गया, नीचे से रेडिएटर ब्लॉक हुआ हुआ था। पहले ये था कि जो हीट गेज होते हैं, टेम्परेचर वाल्व होता है, वो ना ख़राब हो, अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़राब नहीं था, बस रेडिएटर का खुलवाने वाला जो भी प्रोसेस होता है बस वो वाला टीका लगा। लेकिन इट्स नॉट अबाउट द टीका, इट्स अबाउट कि अगर मैं चेक कर लेता कि गाड़ी में फ्लूइड्स वगैरह ये सब चीज़ें बिल्कुल ओके हैं तो ये प्रॉब्लम ही ना आती। तो ये आप लोगों के लिए है कि अपनी गाड़ी का भी गर्मियों में स्पेशली एक तो रेडिएटर का पानी चेक किया करें, और अगर आप यूज़ गाड़ी ख़रीद रहे हैं तो अपनी तरफ से तसल्ली ज़रूर किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब, खुदा हाफ़िज़।